नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.55% के क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है और पिछले 4-5 दिन से देखेंगे लगातार स्टॉक में डोजी कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो मैं आपको सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को दिखाना चाहता हूँ। जब आप देखेंगे तो ओवरली स्टॉक आपको क्लियरली एक ऑफ ट्रेंड में एक वन डायरेक्शनल मोमेंट बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके यहाँ पर स्टॉक क्लियरली एक ऑफ ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से ट्रेलाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं तो वही ट्रेलाइन आपको क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन आपके सामने जो रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है 448 448 पर है और सपोर्ट लेवल आपके सामने 410 का। तो जैसे कि हम देख रहे हैं स्टॉक यहीं से एक मूवमेंट बना रहे, तो अगर ये 448 का लेवल ब्रेकआउट करते हैं तो कौन सी टारगेट हमें देखने को संभावना रहेगा तो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टारगेट हम डिसाइड करें फिबोनाची बेस्ड है, तो आप चाहो तो इसको भी अपना ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है आप उसमें भी आप इसको जो है ड्रॉ कर सकते हो। इस फिबोनाची का जो टारगेट रहता है वो अच्छा काम करता है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो है 471, क्योंकि दूसरा टारगेट आपके सामने 509 का रहेगा, तीसरा टारगेट 546 546 और अगला टारगेट रहेगा 570 का। दोस्तों वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। धन्यवाद।